हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वसंत पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास। वो खास क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास है 1 किलो चिकन और हमारे पास है राइस, 3 कप बारीक कटा हुआ प्याज लंबा लंबा, गरम मसाला या गोड़ा मसाला या घाटी मसाला भी बोल सकते हैं इसको, लाल मिर्च पाउडर, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, नमक, घी और चिकन मसाला। गाइस, आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं पटापट बिरयानी, जिसमें कि आप पहले से ही आप सोच रहे होंगे मैंने मैरिनेट करने को क्यों नहीं रखा है चिकन, ये तो मैरिनेट हो जाना चाहिए था। बट नहीं, साथ के साथ जो हम आज चावल बॉईल करने को रखेंगे, साथ के साथ हम चिकन भी मैरिनेट करने को रखेंगे और साथ के साथ हम प्याज को भी पकाएंगे, ताकि आप जब भी घर आए, कभी बिरयानी खाने का मन कर रहा हो, कभी बिरयानी खाने का फटाफट मन हो, तो आप फटाफट बिरयानी कैसे बना सकते हैं। नहीं तो कई लोगों को लगता है अरे मैरिनेट करके नहीं रखा और हम लोग जो है अभी क्या बिरयानी बनाएंगे, फिर कितना टाइम लगेगा। आपको मैं आज दिखाती हूँ एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा ये फटाफट बिरयानी बनाने के लिए और आपको मजा भी आएगा। ये ले लिया है हमने चिकन को एक बड़े बाउल में। अब हम इसको डालेंगे मैरिनेशन के लिए। तो हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, थोड़ा जीरा, लगभग 1 टीस्पून, ये सारी चीजें जो हमने प्लेट में ले रखी है, लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, ये हमने लिया है गरम मसाला, गोड़ा मसाला जो भी आपके घर में है। हमारा बेसिक आइडिया यही है गाइस कि जो भी आपके घर में है आप उनसे चीजें बना सके, या मेरी जो भी रेसिपीज आती हैं उसी से। ये मैंने थोड़ा लिया है लगभग 1 चम्मच चिकन मसाला और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही मैरिनेशन के लिए। तो हम करते हैं इसमें ऐड, मैरिनेट करने के लिए इसको रखते हैं। ये देखिए हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं और इसको रख देते हहैं साइड में। ये लिया हमने 3 कप चावल, इसको धो के, ये पहले मैंने चावल को पानी डाल दिया, पानी थोड़ा ज्यादा रखें, गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ा इसमें नमक डालते हैं हम, 1/2 टीस्पून, और अब इसमें डाल देते हैं जीरा, 2 चुटकी जीरा, और इसमें डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच घी, देसी घी, डालडा नहीं डालना है, देसी घी की खुशबू ही अलग आती है। और इसको हम होने देंगे बॉईल, ढक के रख देते हैं। तो हमने चावल रख दिया है बॉईल करने को, साथ के साथ ही हम एक और बर्तन में साथ में ले लेते हैं थोड़ा सा घी और तेल, जिसमें हम अपने प्याज जो है वो तब तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बिरयानी के लिए ऊपर वो लाल लाल प्याज दिखते हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है, देसी घी, थोड़ा सा इसमें तेल भी डालेंगे, करीब 1/2 कड़छी, और अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए तेल और घी इसमें बिल्कुल वो हो गया है, चम्मच में थोड़ा लगा हुआ घी है वो भी मैं निकाल लेती हूँ। ये छोटे छोटे जो हैक्स है ना, ये जो मैं दिखाती हूँ, ये नॉर्मल घर में जो हमारे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अरे इस चम्मच का क्या किया, इसमें जो घी लगा अब किधर रखूं, ये छोटे छोटे हैक्स ही हमको देखने वाले होते हैं। अब ये घी गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं प्याज। ये मैंने एक बहुत बड़ा प्याज था वो काटा है, आप 2 मीडियम प्याज या 3 छोटे प्याज भी काट के इसमें लंबे लंबे डाल सकते हैं। तो हम इनको भून लेते हैं अच्छे से, डार्क ब्राउन करेंगे
तब तक जो है हमारे चावल तेज आंच पे यहाँ पक रहे हैं, ये थोड़े बॉईल हो जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और चिकन भी यहाँ पे मैरिनेट करने को हमने रख दिया। सो एट अ टाइम हम लोग तीन काम कर रहे हैं, चिकन मैरिनेशन हो रही है और प्याज भी भून रहे हैं और जो हमारा चावल है वो भी अच्छे से बॉईल होने की कगार पे है। हमारे प्याज जो है भून रहे हैं, देखिए थोड़ा लाइट ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। हल्का सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, आधा चम्मच, आधा भी नहीं, पौना चम्मच, 25%, क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन में नमक डाल दिया है और राइस में भी नमक पड़ा हुआ है, तो नमक से क्या ये थोड़ा और ब्राउन हो जाएंगे। राइस हमारा फुल पे ही है और अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, थोड़ा सा इसको हिला ले ताकि जो घी हमने ऊपर से डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए प्याज हो गए हैं, हो रहे हैं रादर थोड़े थोड़े ब्राउन, और ये जो है हमारा राइस वो भी देखिए। आप ये सोच रहे होंगे मैं एक ही कड़छी से ये काम कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप चार पांच कड़छियां निकाल के ये सब करने का मतलब नहीं। ये देखिए ये प्याज हमारे थोड़ा मैंने अब सिम कर दिया है, अभी तक मैंने गैस को धीमी आंच पे नहीं किया था। ये देखिए प्याज हो गए, धीरे धीरे हो रहे हैं, अब मैं थोड़ा सिम पे कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से जो है ब्राउन हो जाए, नहीं तो अगर गैस फुल कर रखूंगी तो फिर जल जाएंगे। फिर से एक बारी चेक कर ले इसको हिला के। अब हम ये कैसे देखेंगे, इसको हाफ कुक करना है हमको, फुल कुक नहीं करना है। ये देखिए एक दाना ले लेते हैं और इसमें ये चेक करते हैं तोड़ के इसको कि ये कुक हो गया है क्या, तो हाफ कुक हो गया है। अगर आसानी से टूट जाता है दैट मीन्स हाफ कुक हो गया है। हम ये पानी जो है इसका वो ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए पानी हमने ड्रेन कर लिया है इसका, ये हाफ कुक राइस है, अब इसको साइड में रख लेते हैं, ये अभी पूरी तरह कुक नहीं हुआ है। और यहाँ से जो हमारे प्याज है जो हमने सिम पे रखे थे, आंच धीमी करके रखे थे, ये देखिए ये एकदम डार्क ब्राउन हो गए हैं। इसमें से थोड़े डार्केस्ट ब्राउन जो प्याज है वो हम निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने, थोड़े से ज्यादा नहीं, बाकी रहने दीजिए उसी में, बाकी हम लोग चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। ये रहे बाकी के प्याज और ये रहे मेरे पास जो प्याज, इसमें से ये व्हाइट वाला जो है वापिस डाल देती हूँ, वो पक जाएगा इसी में। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी चिकन। ये देखिए एक एक पीस करके हम डालेंगे, यहां से देखिए एकदम से डालेंगे तो अपने ऊपर छींटे वगैरह भी आ सकता है, तो धीरे धीरे करके डालें। ये सारा मसाला जो है कड़छी से हम इसका निकाल देंगे जो भी इस बोल में हमने रखा था, ठीक है। और अब इसको आंच धीमी ही रखें, तेज ना करें, अब इसको हिला लेते हैं। पहले पूरा जो घी है और जो ऑयल है वो सारा चिकन में हम लोग मिक्स करेंगे, जो प्याज है वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए अब इसकी जो आंच है थोड़ी सी तेज कर लेते हैं और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गए हैं, एक बारी खोल के देख लेते हैं इसको। आज हमने धीमी नहीं करी थी गैस की। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, ये देखिए साइड से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, तेल लूज आउट होने लग गया है। इसको और हम
धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। ये रहा ढक्कन और ये रही धीमी आंच। 5 मिनट हो गए हैं तो हम खोल के देख लेते हैं कैसा लग रहा है हमारा चिकन और बिरयानी। ये देखिए पानी आ गया है इसमें एकदम। ये देखिए ये जो इसकी थिक थिक ग्रेवी है ये आ गई है। हम इसमें अब ऐड कर देते हैं जो हमने पहले ऐड नहीं किया वो है धनिया। नहीं है घर में कोई बात नहीं, है घर में तो डाल दीजिए। अब पहले नहीं क्योंकि उसकी फ्रेशनेस निकल जाती है। अब हम एक बार फिर इसको मिक्स कर देते हैं धनिया को। और थोड़ा आंच जो है हम तेज कर देंगे, 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। अरे वाह, ये देखो धनिया हमारी ग्रीन ग्रीन दिख रही है इसमें और बहुत ही अच्छे से इसका पानी निकल के आया है। फुल पे रखा था हम लोगों ने, ये देखो। अब हम इसको हिला लेते हैं। पहले देख ले थोड़ा सा किसी भी चिकन को प्रेस करके, जैसे मैंने इसको देखा है। ये देखिए ये 2 हिस्सों में कट गया, दैट मींस चिकन हमारा अच्छे से जो है वो भुन गया है इसमें। देखिए अब हम आंच जो है वो धीमी कर लेते हैं और ये जो है हमारा जो राइस है हाफ ये हम इसमें फैला देते हैं। लेयर पूरी बननी चाहिए, ठीक है। आप ये पतीले में, मैंने ये एक बड़े प्रेशर कुकर में लिया है तो आप ये जो है पतीले में भी बना सकते हैं। पूरी हमने जो राइस है ऊपर डाल दिया है, लेयर बना दिए है, मिक्स नहीं किया है उसको जो हाफ कुक हमारा राइस था। अब हम अभी ये वाले प्याज नहीं डालेंगे इसमें, अभी इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन देके रख देते हैं। सीटी नहीं बजानी है, फुल कर दिया है मैंने गैस। अब देखिए ये जो हमारा पतीला या प्रेशर कुकर है फुल पे, इसको साइड बाय साइड पूरा दम देंगे। ये देखिए ये दूसरी साइड फुल पे है गैस नीचे से। ये देखिए ऐसे ही साइड बाय साइड इसको ये करते रहना है, चेंज करते रहना है। ये देखिए चेंज कर दिया मैं इसका, फुल पे जो है पूरा एंगल चेंज कर रही हूँ। एक राउंड मैंने मार दिया है, ये दूसरा राउंड है। हर एक एंगल से जो है गैस पे मैं थोड़ा कुकर बीच में कर रही हूँ क्योंकि पतीला कभी बड़ा होता है तो आप जो है फिर सब साइड से वो आ जाना चाहिए करके, पूरा बॉईल होना चाहिए। ये देखिए देसी घी की खुशबू जो है ना वो पूरी निकल के आती है बिरयानी में, और वही खुशबू जो है आपके पेट में गुड़ गुड़ करने लगती है क्योंकि आपको भूख लगने लगती है, आप चाहते हैं हमारी बिरयानी फटाफट बने। ये देखिए ये हमारा हो गया दूसरा राउंड भी। अब हम इसको सिम पे कर लेते हैं एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। सिम पे कर दिया मैंने, 10 मिनट हो गए हैं और अब जो है हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी तेज कर लेंगे और 2 मिनट के लिए तेज आंच पे इसको रखेंगे। तेज आंच पे रखते हुए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसकी खुशबू आ रही है तेज आंच पे, बहुत ही बढ़िया। पूरी जो देसी घी की जो खुशबू है और राइस की और जो चिकन के जो फ्लेवर्स बाहर खुशबू से निकल के आ रहे हैं वो पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहे हैं। मैं तो बहुत भूख लगी है यार, फटाफट बिरयानी से ना बहुत ज्यादा भूख लगती है। बातें करने में 2 मिनट निकल गए।
जैसे कि 2 मिनट हो गए, गैस हमने बंद कर दिया है, इसका दम ना निकाले, इसे बंद ही रहने दें। अब हम वेट कर लेते हैं, बहुत सारी भूख भी लगी है और वेट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। और जो है, जो इसकी खुशबू आ रही है वो बहुत ही ऑसम है यार, उससे और भी भूख लग रही है। सो मुझे लगता है कि वेट कर लेते हैं। अब इसको जो है दम नहीं निकालना है इसका, आधे घंटे जो है इसको ऐसे ही रहने दें। आप सोच रहे होंगे अभी भी हमने वो प्याज नहीं डाले जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हैं, वो अभी नहीं डालने हैं, नहीं तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जब हम बिरयानी खोलेंगे आधे घंटे बाद, तब वो प्याज उसमें ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गैस हमने बंद कर दी है तो आधे घंटे के लिए वेट करते हैं और आधे घंटे के बाद देखेंगे हमारी बिरयानी कैसी बनी। आधा घंटा हो गया है, आइए इसको खोल के देखते हैं। बिरयानी में अब टाइम आया है ये प्याज ऐड करने का। ये देखिए, ये हमने काफी देर के लिए रखे थे इसलिए अलग अलग, ये चिपके नहीं है एक दूसरे के साथ। सारे प्याज हम डाल देते हैं। हमारी बिरयानी हो गई है रेडी और मैंने इसको सर्व किया है रायता के साथ। अब एंजॉय करें और खाएं ये बिरयानी। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं रायता की रेसिपी आपको बताऊं कि कैसे ये रायता बनता है 3 कलर्स का, तो मैं वो आपको अपने अगले वीडियो में बता सकती हूँ। सो मुझे लिख के बताएं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये फटाफट बिरयानी कैसी लगती है।